आप सभी लोग आश्वस्त हैं कि ये जो आप धरने पर बैठे हैं एक दिवसीय दो दिन जी आज आप लोग क्या कार्यक्रम है? हम लोगों का 14 सूत्री कार्यक्रम है। वो 14 सूत्री मांग हमारी है। पहली तो ये है कि एनपीएस कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। दूसरा ये है कि जो हमारा कलेक्ट्रेट है इसको राज्य सरकार विशिष्ट राज्य कर्मचारियों का हमें दर्जा दे, क्योंकि हमारा जो कार्य है प्रदेश स्तर पर जिस तरीके से सचिवालय का कार्य होता है उसी तरीके से हमारा काम जिला स्तर पर मुख्य भूमिका हमारी होती है। इसलिए हमें विशेष राज कर्मचारी का दर्जा देते हुए हमारे वेतन मान को उच्चीकृत करे सरकार। ये हमारी मुख्य मांग है। अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा आगे जो रणनीति बनेगी उस पर हम कार्य करेंगे। बड़ा आंदोलन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि सरकार नहीं चेती और हम लोगों को इसी तरीके से हमारी अवहेलना करती रही तो हम इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य हो सकते हैं।